नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ दीप्सी द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती का बड़ा ऐलान। पार्टी बैठक में मायावती ने बड़ा ऐलान किया है, आकाश आनंद होंगे मायावती के उत्तराधिकारी। आपको बता दें कि मायावती ने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। आज की हुई बैठक में पार्टी में कई जिम्मेदारी संभाल चुके हैं आकाश आनंद। मायावती कार्यालय से अपने आवास के लिए रवाना हो चुकी हैं। 2024 की तैयारियों को लेकर यह बैठक हुई है, जिसमें आकाश आनंद को ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। लगातार ये कयास जताए जा रहे थे 2024 को लेकर मंथन होगा, लेकिन मंथन से पहले एक बड़ा ऐलान मायावती की तरफ से, आकाश आनंद को नया उत्तराधिकारी बनाया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें, आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये अहम बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्होंने ये ऐलान किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं इस वक्त संवाददाता रवि हमारे साथ जो है लाइव जुड़ गए हैं लखनऊ से। रवि, ये जो बड़ा ऐलान किया गया मायावती की तरफ से आकाश आनंद को लेकर, नया उत्तराधिकारी उन्हें घोषित किया गया, एक बार मैं चाहूंगी आप दर्शकों को आकाश आनंद के बारे में बताएं, किस तरह से उनका राजनीतिक पृष्ठभूमि है और इसके साथ ही क्या कुछ बैठक में निचोड़ निकला है। देखिए, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी खबर यह है कि बीएसपी प्रमुख मायावती ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। उत्तराधिकारी अपने भतीजे आकाश आनंद को घोषित किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद बीएसपी प्रमुख मायावती ने लखनऊ में बीएसपी के प्रदेश कार्यालय पर एक बैठक बुलाई थी और सभी राज्य कार्यकारिणी के तमाम सारे पदाधिकारी और सभी स्टेट पदाधिकारी, उसके अलावा तमाम सारे विधानसभा पदाधिकारियों को यहाँ पर प्रभारियों को बुलाया गया था। और उस दौरान एक बैठक की जा रही थी और जिसमें माना जा रहा था 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ जरूरी दिशा निर्देश है वो बीएसपी प्रमुख मायावती की तरफ से दिए जाएंगे। उसी दौरान इस बैठक में अपने भतीजे यानी बसपा प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। माना जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आकाश आनंद का कद और बढ़ सकता है, यानी कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी में कोई बड़ी जिम्मेदारी भी उनको मिल सकती है। फिलहाल 5 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें आकाश आनंद में बहुत मेहनत की थी और नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर भी काम कर रहे थे। और बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे आकाश आनंद, और अब उनको बसपा प्रमुख मायावती ने बैठक के दौरान अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया है। और अब कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि अब 24 के लोकसभा चुनाव से पहले अब उनको भी अहम जिम्मेदारी और मिल सकती है। जी बिल्कुल, ऐसे में रवि मैं चाहूंगी कि एक बार आप जरा दर्शकों को बताएं कि आकाश आनंद को ये जो नई जिम्मेदारी दी गई है, उत्तराधिकारी उन्हें घोषित किया गया है, उसके बाद से अब अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर, तो किस तरह से मजबूती जो है नजर आ सकती है, किस तरह का बदलाव जो है बसपा पार्टी में देखा जा सकता है। देखिए, पिछली कई बैठकों में जो आकाश आनंद है, जो कि बसपा प्रमुख मायावती के भतीजे हैं, और कई बार उनके बैठकों में उनके साथ नजर आते रहे हैं, उसके बाद से लगातार अब सक्रिय भी नजर आए। तो अभी जो हाल ही में जो विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं 5 राज्यों में, उसमें भी उन्होंने बहुत मेहनत की थी और नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पर वो काम कर रहे थे। और आज जिस तरीके से बैठक की गई 5 राज्यों के चुनाव के बाद, उसकी समीक्षा के साथ में आगे दिशा निर्देश है वो दिए जाने थे। तमाम सारे जो राष्ट्रीय लेवल के जो पदाधिकारी है वो मौजूद थे, सभी राज्यों के जो प्रभारी है वो, उसके अलावा सभी विधानसभा प्रभारी समेत तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद थे। और उसी बैठक दौरान ही बसपा प्रमुख मायावती की तरफ से ऐलान किया गया कि जो उनका जो उत्तराधिकारी होगा वो उनका भतीजा आकाश आनंद होगा। और जिसके बाद अब ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं उनको भी चुनाव से पहले यानी लोकसभा चुनाव से पहले कुछ और अहम जिम्मेदारी उनको मिल सकती है। नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर पे भी एक आकाश आनंद काम करे, तो लगातार अब बसपा की तरफ से लगातार सक्रिय कहीं ना कहीं काम वो करते हुए नजर आ रहे थे। अब पार्टी को और मजबूती प्रदान करने की उन पर जिम्मेदारी होगी, और जिस तरीके से बसपा प्रमुख मायावती ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है, तो उसके बाद अभी माना जा रहा है कि 24 के चुनाव से पहले उनकी भी भूमिका है वो काफी अहम मानी जाएगी पार्टी को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से लगातार बसपा प्रमुख मायावती है वो बैठक ले रही थी, उसी दौरान ये ऐलान को किया गया। और माना जा रहा है 24 के चुनाव से पहले कहीं ना कहीं कुछ बड़े ऐलान है वो किया जा सकते हैं। और बसपा प्रमुख मायावती जिस तरीके से बैठक में तमाम पदाधिकारियों को, राष्ट्रीय लेवल के पदाधिकारियों को बुलाया गया था,
और किस तरीके से जो समीक्षा है वो की गई 5 राज्य विधानसभा चुनाव को लेकर, उसके बाद अब जिससे 2024 लोकसभा चुनाव होने हैं उस चुनाव को लेकर जीत की किस तरीके बीएसपी को जीत हासिल हो, किस तरीके से बीएसपी है वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी उसको लेकर, हालांकि अभी तक किसी के साथ भी गठबंधन का ऐलान नहीं किया गया। ये कहा गया था बसपा प्रमुख मायावती की तरफ से कि अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेगी बीएसपी, तो जाहिर है आज के ऐलान के बाद माना जा रहा है कि जो आकाश आनंद है, जो बसपा प्रमुख बसपा सुप्रीमो मायावती के जो भतीजे हैं उनको भी अब और एक अहम जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, क्योंकि उन्होंने बसपा प्रमुख मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है, तो जाहिर है कि माना जा रहा है कि 2024 से लोकसभा चुनाव के पहले उनको और अहम जिम्मेदारियां है वो मिल सकती है। जी बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच जरा ये भी बताएं कि आज की जो बैठक रही कौन कौन से महत्वपूर्ण वो बिंदु है जिन पर चर्चा की गई है। देखिए कई सारे बिंदु है ऐसे माने जा रहे थे इस बैठक के दौरान उन पर चर्चा हुई, और जाहिर है कि 15 जनवरी को बसपा प्रमुख मायावती का जन्मदिन होता है और जन्मदिन को जिस तरीके से मनाने को लेकर सभी जो बसपा के जो तमाम सारे पदाधिकारी हैं वो किस तरीके से जन्मदिन को मनाने वाले हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं क्या तैयारी है उसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई होंगी। और उसके अलावा सबसे बड़ा ऐलान ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से तैयारी है वो बसपा की तरफ से भी शुरू हो गई, और बैठक में जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद उसकी भी समीक्षा थी, उसके साथ में ये 2024 में किस तरीके से जो बसपा है वो बेहतर प्रदर्शन करे इसके लिए भी सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया था जो कि राष्ट्रीय लेवल के पदाधिकारी थे। अब उस बैठक के दौरान ही जो ऐलान है वो किया गया है बसपा प्रमुख मायावती की तरफ से कि आकाश आनंद है वो उत्तराधिकारी होंगे उनके, और उसके बाद अब ये माना जा रहा है कि अब बसपा की तरफ से अब आकाश आनंद भी कहीं ना कहीं अपनी अहम जिम्मेदारियों के साथ आने वाले समय में नजर आ सकते हैं, और बसपा ने पहले ही ऐलान किया हुआ है कि वो अकेले ही चुनाव लड़ेगी लोकसभा का। अब लेकिन अभी देखना होगा कि अब ये अहम क्या बसपा प्रमुख मायावती की तरफ से क्या कुछ और अहम जिम्मेदारियां भी इनको दी जाती है आकाश आनंद को। फिलहाल 5 राज्यों के चुनाव में भी काफी अहम भूमिका रही और जिस तरीके से उन्होंने मेहनत भी की थी तो अब उनको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है और ऐलान कर दिया है, और अब ये देखना है कि बसपा का अब आगे की रणनीति क्या कुछ रहने वाली है क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा ने अकेले ही चुनाव में जाने का ऐलान किया था। जी ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए और आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार जो है यहां पर मंथन का दौर चल रहा, और हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं अरविंद जयतिलक, सीधे उनका रुख करते हैं। अरविंद जी, क्या कुछ आप कहेंगे आज की बैठक को लेकर, जो उत्तराधिकारी घोषित हुए हैं आकाश आनंद, और इसके साथ ही जो आज ये मंथन का दौर चला है 2024 को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए 14 अप्रैल 1984 को जो बसपा का गठन हुआ उसी दरमियान जो है कांसी राम की कोशिश थी कि हाशिए के लोगों को लेकर के एक मुख्य धारा की राजनीति की शुरुआत, लेकिन बीच में आपने देखा कि जिस तरह से सोशल इंजीनियरिंग के दम पर मायावती सरकार में तो आई लेकिन उसका जो अपना कोर वोट बैंक था पूरी तरह से पिछड़ता चला गया। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में उसके पास सिर्फ 13% वोट बैंक बचा है, और एक आप देख रहे हैं कि विधानसभा में सिर्फ 1 सीट जो है उनके पास है। इसी स्थिति में दलित वोट बैंक को अपना विशेष रूप वो भी दलित समाज से आते उनके भाई के हैं वो चारा नहीं बचा था। तो दरअसल 2024 के पहले जो पेशबंदी है कि दलित जो है साथ में आए, और जिस तरह से मुसलमानों का समाजवादी पार्टी से मोहभंग हुआ है तो दलित मुस्लिम समिति के उत्तर प्रदेश की करना चाहती है, यही वजह है कि आकाश आनंद को उन्हें और देखा कि एक नकारात्मक गया पर कर दिया गया, तो तारीख में सौंप करके। बिल्कुल अरविंद जी, क्या लगता है आज ये जो ऐलान किया गया है आकाश आनंद को जो उत्तराधिकारी घोषित किया गया है, क्या उत्तर प्रदेश में बसपा की तस्वीर जो है और पार्टी की तस्वीर जो है वो बदलती हुई नजर आ पाएगी, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है, और अगर इन दिनों की बात करें पार्टी के एक्टिव रहने की तो वो तो आप भी लगातार देख ही रहे हैं कि कितनी पार्टी एक्टिव है, और इसके साथ ही अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें हालांकि लगातार मायावती की सक्रियता जो है वो देखी गई, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी चुनौती लोकसभा चुनाव की रहेगी। देखिए आकाश आनंद के पास कोई अपना एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है, जमीन के नेता नहीं है, उनके साथ जो थिंक टैंक है वो उनके पीछे लगा हुआ है, लेकिन अगर इसके चलते अगर ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश में उनका जो जमीनी पकड़ है मजबूत हो जाएगा
यह दूर की कौड़ी है, लेकिन चूंकि राजनीति में एक वंशवाद की परंपरा है और कहीं ना कहीं जो है क्षत्रिय पार्टी में जुट भी करता है, तो स्वाभाविक रूप से आकाश आनंद से बेहतर कोई और उत्तराधिकारी हो भी नहीं सकता है। यही वजह है कि मायावती जो है उन्हें आगे करके दलितों को साथ लाने की कोशिश की है। और चूंकि आपने देखा कि 2024 में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी पहले से ही जो सेमीफाइनल 5 राज्यों का माना जा रहा था, और उसमें भी देखा गया कि मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, बसपा का जो कोई विशेष जो है पकड़ बनती हुई नहीं दिखी। निसंदेह रूप से अब उनके पास सिर्फ एक ही उपाय है कि जो अपना दलित वोट बैंक जो है मजबूत किया जाए और 2024 की लड़ाई में अपना वोट शेयर जो है बढ़ाया जाए। और दूसरी चीज जो है, कहीं ना कहीं जो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के जो है वो एक दलित चेहरा के तौर पे उभरे हैं, तो उनकी काट के लिए भी एक दलित उत्तराधिकारी को आगे बढ़ाना मायावती की मजबूरी है, तो हम लोग उसको जो है उसी संदर्भ में देख रहे हैं। जी बिल्कुल अरविंद जी, हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता रवि भी बने हुए हैं, एक बार उनसे भी उनकी क्योंकि वो लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हैं तो एक बार उनसे भी ये जान लेते हैं। रवि, जिस तरह से अभी आपने सुना अरविंद जी ने क्या कुछ कहा, आकाश आनंद को जो ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, एक बहुत बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर बसपा के लिए है, क्योंकि अगर हम विधानसभा चुनाव का जिक्र करें उत्तर प्रदेश में या फिर अभी जो हाल ही में चुनाव जो 4 राज्यों में हुए हैं वहां पर जिस तरह से बसपा ने जो प्रदर्शन किया उसको देखते हुए लोकसभा चुनाव एक बहुत बड़ी चुनौती। जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव बहुत बड़ी चुनौती है, और अगर पूर्व के चुनावों की बात करें तो इस चुनाव को बेहद ही गंभीरता से लिया जा रहा है कि पूर्व में जो नतीजे आए हैं और लगातार जिस तरीके से अगर हम ग्राफ करें तो वो गिरा है बसपा का, लेकिन अगर पूर्व में जो चुनाव हुआ है और चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ बीएसपी ने चुनाव लड़ा था लोकसभा का और उसमें बीएसपी को कहीं ना कहीं एक बेहतर परिणाम भी मिले थे, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में वो बीएसपी अकेले ही चुनाव में जाने की तैयारी पहले ऐलान कर चुकी है, और जिस तरीके से जो भाजपा सहयोगी दलों के साथ मैदान में, वहीं विपक्ष का जो गठबंधन है INDIA इंडिया उसमें भी तमाम सारे दल हैं, और उसी के बीच बसपा की तरफ लोग देख रहे थे कि बसपा किसकी तरफ क्या किसी के साथ समझौता होगा, सहयोगी दल के रूप में रहेगी या नहीं रहेगी, लेकिन बसपा सुप्रीमो ने सभी कयासों को दरकिनार करते हुए साफ कर दिया कि बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। ऐसे में आज जिस तरीके से एक अहम बैठक बुलाई गई थी बसपा प्रमुख मायावती की तरफ से लखनऊ में, सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तमाम सारे पदाधिकारी वो इस बैठक में मौजूद रहे हैं, चाहे हम सभी प्रदेश पदाधिकारियों की बात करें, विधानसभा पदाधिकारियों की बात करें, तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों की बात करें, वो सभी इस बैठक में मौजूद थे, और ये माना जा रहा था 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कुछ अहम जिम्मेदारियां हैं या कुछ ऐलान हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया वो साफ करता है कि आने वाले समय में आकाश आनंद की जो भूमिका है वो बीएसपी में काफी बढ़ने वाली है, और जाहिर है कि अब जिस तरीके से अभी हाल ही में जो विधानसभा चुनाव अन्य राज्यों में हुए हैं उन राज्यों में जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की और नेशनल कोऑर्डिनेटर के तौर काम करते रहे, और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उनकी भूमिका है काफी अहम रहने वाली है, क्योंकि लगातार कई बैठकों में आकाश आनंद है वो बसपा प्रमुख मायावती के साथ नजर आते रहे हैं, तो इससे माना जा रहा था कि उनको अहम जिम्मेदारियां हैं वो मिल सकती है। जिस तरीके से आज बसपा प्रमुख मायावती ने इस बैठक के दौरान ये ऐलान किया है कि आकाश आनंद है वो उनके उत्तराधिकारी होंगे, तो ये साफ होता है कि अब बसपा की तरफ से उनको अहम जिम्मेदारियां भी मिल सकती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद की भूमिका है वो बढ़ सकती है, यानी कि चुनाव के जो भी नतीजे होंगे वो तो फिलहाल नतीजे के आने के बाद साफ होगा। ठीक है, लेकिन अगर आनंद को करें जो आज ऐलान किया गया है, ऐसे में और भी कई बड़े चेहरे, कई एक्सपीरियंस वाले नेता हैं बसपा में जिसे जिम्मेदारी दी जा सकती है, लेकिन एक जो आपने अभी जिक्र उससे पहले किया था वंशवाद वाली परंपरा, इसको लेकर बीजेपी लगातार और अन्य राजनीतिक पार्टियों में भी जिस तरह से ये चलन चलता आ रहा है उसको लेकर कई बार जो है बीजेपी हमलावर भी रहती है, तो ऐसे में एक बार फिर से जब बसपा ने इस तरह की घोषणा की है लेकिन और भी कई बड़े चेहरे, क्या उनको भी मौका मिलना चाहिए था? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वंशवाद की चाहे जितनी भी आलोचना करें, लेकिन उत्तर प्रदेश में जाति खोलता हुआ कुंड कहा जाता है, यहाँ जाति अस्मिता के जरिए जो है सियासत की लंबी लड़ाई को लड़ा गया है, चाहे आप देख लीजिए चौधरी चरण सिंह को देख लीजिए, उनके बाद जो है जिस तरह से अजीत सिंह के बाद, और उसके बाद आप मुलायम सिंह यादव के जो परिवार के लोग रहे हैं, तो केवल आलोचना मात्र से जो उनके समर्थक हैं या उनकी जो पकड़ है उसको खारिज नहीं किया जा सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि क्योंकि 2024 का इलेक्शन है और गैर जाटों जो वोट था वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चला गया है, अब उसको चूंकि भारतीय जनता पार्टी से छीन करके अपने पाले में लाना है, लामबंदी करना है, तो स्वाभाविक रूप से उनको एक ऐसा चेहरा देना चाहिए कोशिश हुई है जो कि जिसकी स्वीकार्यता, वो स्वीकार्यता जो है आकाश
आनंद के जरिए ही हो सकता है, किसी और अगर दलित चेहरे को आगे बढ़ाया जाता तो उसको उतनी स्वीकार्यता नहीं मिलती। तो स्वाभाविक रूप से जो है मायावती ने एक अपना चाल चली है और मुझे लगता है कि चाहे उसकी जितनी भी आलोचना हो लेकिन उत्तराधिकारी के तौर पर उनसे बेहतर कोई और चेहरा नहीं हो सकता है। जी बिल्कुल। और अगर हम उत्तर प्रदेश में हुए जो कि विधानसभा चुनाव जो हुए थे उसमें अगर हम बसपा के प्रदर्शन की बात करें तो जिस तरह से बसपा का प्रदर्शन रहा, अगर उसी तरह का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला तो ये कहीं ना कहीं बसपा के लिए बहुत अच्छा साबित नहीं होगा और बहुत ज्यादा भी जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत भी है। अरविंद जी, हाँ स्वाभाविक रूप से देखिए जब 2019 का मिलकर के सपा बसपा चुनाव लड़ी तो बसपा को जिन 10 सीटों पर मिला उसमें 4 पूर्वांचल की, 4 जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, 2 मध्य की है। तो जब मिलकर के जो है वो बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाए तो स्वाभाविक रूप से अकेले वो चुनाव लड़ेगी बसपा तो वो स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन पाइपलाइन में बात चल रही है कि कांग्रेस और जो है जयंत की पार्टी से मिल करके बसपा की एक बात चल रही है कि अगर मान लीजिए इंडिया गठबंधन में इनको शामिल नहीं किया गया और कुछ दिन पहले आपने देखा भी कि किस तरह से जयंत जो है और उनके समर्थक जो है एक चर्चा चली थी कि नहीं जो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि 3 राज्यों में जिस तरह से भाजपा जीती है तो हो सकता है कि वह जो है पाला बदल लें। लेकिन हाँ कांग्रेस के साथ जो है बहुजन समाज पार्टी की बातचीत चल रही है और चूंकि अजय राय जो कांग्रेस के अध्यक्ष है उनका जो है अखिलेश यादव से काफी तनातनी भी हो चुकी है तो उनके साथ जो है राष्ट्रीय स्तर पर भले ही गठबंधन बन जाए लेकिन राज्य स्तर पर जो है अजय राय जो है किसी भी सूरत में जो है अखिलेश यादव को पसंद नहीं। बसपा के साथ जो चूंकि गठबंधन होगा तो राष्ट्रीय स्तर उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के अन्य राज्यों में भी जो है जो हाशिए के लोग हैं, दलित समुदाय के लोग हैं, वनवासी हैं तो एक बड़ा परसेप्शन कांग्रेस खड़ा करने की कोशिश कर सकती है। तो मेरा मानना है कि 2024 से पहले जो है राष्ट्रीय स्तर पर बड़े पैमाने पर जो है तस्वीर बदलती हुई दिख सकती है। हाँ हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। जी बिल्कुल इंतजार करना चाहिए। लेकिन लगातार जिस तरह से हलचल चल रही है, सुगबुगाहट चल रही है, कई कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल अरविंद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। रवि, लगातार हम इस बात का जो जिक्र कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो बसपा की अभी छवि है और इसके साथ ही जो प्रदर्शन है उस पर बहुत काम करने की जरूरत है, लेकिन इन सब के बीच अब गठबंधन का भी जिक्र हुआ है तो ऐसे में बसपा कई बार इससे पहले भी गठबंधन को नकार चुकी है कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। लेकिन अभी जैसा कि जिक्र किया अरविंद जी ने कि अजय राय जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है वो लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि बसपा का और कांग्रेस का गठबंधन संभव हो पाए। जी बिल्कुल, अभी कयास तमाम सारे लगाए जा रहे हैं और पूर्व में जिस तरीके से जब विपक्ष का पूरा गठबंधन हुआ था तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि बसपा भी इस गठबंधन का हिस्सा बन सकती है, लेकिन बसपा प्रमुख मायावती ने ऐलान करके साफ कर दिया कि वो किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी और बसपा अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़ेगी। लेकिन हाल फिलहाल में अब जो चर्चाएं हो रही थी अब उसके बाद फिर आज जो बड़ी बैठक बुलाई गई थी बसपा प्रमुख मायावती की तरफ से, उसी बैठक के दौरान सभी बड़े पदाधिकारियों के बीच ये ऐलान करना कि उनका जो उत्तराधिकारी। रवि, मैं आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ अरविंद चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं जो कि चैनल हेड है हमारे, सीधे उनका रुख कर लेती हूँ। अरविंद जी, आज जिस तरह से जो बैठक हुई है, बड़ा ऐलान हुआ है, आनंद आकाश को उत्तराधिकारी घोषित किया गया है, आप किस तरह से इसे देखते हैं? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। मैं समझता हूँ कि बहुत दिनों से बहुजन समाज पार्टी के जो लोग हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि बहन मायावती जो है अपना उत्तराधिकारी घोषित करें। इसके पहले भी बहुत सारे लोगों की तस्वीरें सामने आई थी कि इनको उत्तराधिकारी बनाया जा सकता है, इनको बनाया जा सकता है। उसमें राजा राम का भी नाम आया था लेकिन उसमें उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया गया। ये बड़ा एक फैसला मायावती ने लिया है और मैं समझता हूँ कि पार्टी के लिए हित में इसलिए होगा क्योंकि आकाश आनंद जो है अभी यंग है, युवा है और उनका बहुत पढ़े लिखे भी हैं और चीजों को जानते हैं, समझते हैं और मायावती के साथ बहुत समय तक उनको राजनीति सीखने का भी मौका मिला है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है और मैं समझता हूँ कि पिछले 6 सालों से पार्टी में आकाश आनंद बेहद सक्रिय थे और यही कारण था कि पहले उनको जो है पार्टी का कोऑर्डिनेटर जैसा इंपॉर्टेंट पद दिया गया और उसके बाद दूसरे राज्यों में संगठन की कमान, वहां की बैठक, वहां की सभाओं को करने का काम दिया गया। अभी जो अलग अलग राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए उसमें आकाश आनंद की भूमिका बेहद अहम थी और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आनंद कुमार के ये बेटे हैं, इनकी जो स्कूलिंग हुई है वो गुड़गांव से हुई है और आगे की पढ़ाई आकाश ने लंदन से की है।
आकाश आनंद ने मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की जो डिग्री है उनके पास है और 2017 में इन्होंने राजनीति में एंट्री की जब वह सहारनपुर की रैली में पहली बार जो है मायावती के साथ मंच पे दिखे थे। आकाश फिलहाल पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं। आकाश आनंद का जो सियासी सफर की अगर बात करें तो 2017 से राजनीति में आए थे और 2017 में एक बड़ी रैली कर आकाश आनंद को राजनीति में लॉन्च किया गया था। तो बहुजन समाज पार्टी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब ये देखना बहुत अहम होगा कि जिस समय जो राजनीति में माहौल है, क्योंकि अगर हम देखें एक समय बहुजन समाज पार्टी जो है नेशनल लेवल की पार्टी बन गई थी, उनका वोट ऑफ परसेंटेज बहुत बढ़ा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पहले उत्तर प्रदेश को खोया, फिर बाकी राज्यों में भी उनका जो वोट ऑफ परसेंटेज है वो सीमित हो गया। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें, पिछली बार राजस्थान में उनके कई विधायक चुनाव जीते थे, मध्य प्रदेश में भी उनके ठीक ठाक नंबर हुआ करते थे, तेलंगाना, महाराष्ट्र, सब जगहों पे उनकी एक जो है जिसको हम कह सकते हैं कि लोग उनके वोट के रूप में दिखते थे, लेकिन धीरे 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 वो कम होने लगे और एक सीमा पे अब तो स्थिर हो गए। अब आने वाले दिनों में 2024 का लोकसभा का चुनाव होना है, बहुत बड़े बड़े फैसले लिए जाने हैं और मायावती की उम्र भी बढ़ चली है, उनको लगता है कि अब ये सही वक्त है, क्योंकि आकाश आनंद को उन्होंने कई मौकों पे आजमा लिया, उनको देख लिया और उनका जो है जिसको कहते हैं कि इम्तहान लेने का काम भी है वो आकाश आनंद का मायावती कर चुकी हैं, इसलिए मुझे लगता है कि अब वो सही वक्त था जब उन्होंने आकाश आनंद को पार्टी की कमान दे दी है। बिल्कुल अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार रखने के लिए। इसके साथ ही हमारे साथ बसपा के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, धर्मवीर चौधरी, सीधे उनका रुख करते, पूर्व प्रवक्ता हैं बसपा के, सीधे धर्मवीर जी का रुख करते। धर्मवीर जी, अगर हम बात करें आज जिस तरह का निर्णय लिया गया है बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, आप किस तरह से इसे देख रहे हैं? हेलो धर्मवीर जी, आवाज मिल रही है आपको? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही भैया, दर्द मुझे तो इनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, फिलहाल इनकी इनको आवाज नहीं मिल पा रही है। लेकिन इन सब के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती का जो बड़ा ऐलान है उसका हर कोई स्वागत कर रहा है, हर कोई इस फैसले को सही बता रहा है। रवि, हम इस बात का जिक्र कर रहे थे इससे पहले कि जो गठबंधन को लेकर हम बात कर रहे थे कि अगर गठबंधन होता है कांग्रेस और बसपा का तो किस तरह की तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि हमारे साथ जो जुड़े हुए थे अरविंद, जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट थे, उन्होंने भी ये बात रखी, अरविंद जय तिलक जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, कि अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन होता है बसपा का तो कुछ बदलाव जो है उत्तर प्रदेश में संभव हो सकता है। हाँ देखिए, अगर आप बात करें तो पूर्व में जो चुनाव हुए, चुनाव में कई तरह के गठबंधन है उत्तर प्रदेश में खासतौर पे देखने को मिले हैं। पूर्व के अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो इसके पहले राहुल गांधी यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ में चुनाव लड़ चुकी है, उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव आया तो लोकसभा चुनाव में बसपा और सपा ने साथ गठबंधन किया जिसमें से बसपा को फिर 10 सीटें हासिल हुई थी। वही अगर इस बार के चुनाव की बात करें, इस बार की तस्वीरें कुछ अलग है। भाजपा तो अपने सहयोगी दलों के साथ में है ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों में, वहीं विपक्ष की बात करें तो विपक्ष में इस बार तमाम सारे दल है, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल का गठबंधन है, उसके अलावा तमाम सारी दूसरी पार्टियां भी साथ में है, कांग्रेस भी साथ में है, उसके अलावा तमाम सारी और दूसरी पार्टियां विपक्ष में एक साथ है। हालांकि चुनावी तैयारियों के बीच में ये भी कहा जा रहा था कि रोकना चाहूंगी, हमारे साथ बसपा के पूर्व प्रवक्ता धर्मवीर चौधरी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मवीर जी, आज जो ये बड़ा फैसला लिया गया है, आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया गया है, इस फैसले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बहुत स्वागत योग्य कदम है आदरणीय बहन जी का, चूंकि बहुजन समाज पार्टी नेता बनाने की फैक्ट्री है, यहाँ नेता बनाए जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आकाश आनंद भाई युवा हैं और वो एक नई एनर्जी के साथ में, जैसे नया फ्लेवर, नया क्लेवर के साथ में बहुजन समाज पार्टी को बहुत आगे ले जाने का काम करेंगे और इस देश के सैकड़ों युवा उनसे जुड़े हुए हैं और मैं समझता हूं कि बहन जी ने सही समय पर यह सही निर्णय लिया है कि भाई आकाश आनंद जी को ये जिम्मेदारी दी है। मैं उनके इस कदम का स्वागत करता हूं और आकाश भाई को बधाइयां देता हूं कि वो बहुजन समाज पार्टी को पुनः उन ऊंचाइयों पर लेके जाएं जो मान्यवर साहब काशीराम जी ने, आदरणीय बहन जी ने। जी, ऐसे ऐसे समय पर ये घोषणा हुई है, ये बड़ी जिम्मेदारी आकाश आनंद को दी गई है जब लोकसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है और बहुत बड़ी चुनौती है लोकसभा चुनाव को लेकर। देखिए, युवा हैं आकाश भाई और काफी दिन से वो पार्टी में काम कर रहे हैं, उनके पास में नेशनल कन्वीनर की ऑलरेडी जिम्मेदारी है, तो वो कई राज्यों में, पूरे देश में
पिछले चुनावों में घूमते रहे हैं और उनके पास एक बहुत बड़ा अनुभव भी है इस समय। मैं समझता हूं कि वो इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे और बहुजन समाज पार्टी पुनः अपने उसी रो में आपको दिखाई देगी जैसे 2007 से 12 और उससे पहले मान्यवर साहब काशीराम जी ने जो सपना देखा था उसको पूरा करेंगे। बहुजन समाज पार्टी नई ऊंचाइयों को छुएगी, ऐसी मेरी सोच है और ऐसी मैं कामना करता हूं। और बहुजन समाज के असंख्य लोग भाई आकाश आनंद जी के नेतृत्व को स्वीकार करें और इस कदम का स्वागत करें, क्योंकि वो युवा हैं, विदेश से पढ़ करके आए हैं, सारी चीजों को समझते हैं। ठीक है, चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए धर्मवीर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रवि, तमाम जानकारी